और मैं यहाँ पे अकेले अकेले वेट कर रहा हूँ। तो अभी हम देखने आए हैं गिफ्ट। और मुझे ये छुटकू कप्स बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वहाँ हमारा काम बन नहीं पाया और हम दूसरी जगह आए हैं। लेट्स सी यहाँ पे को भी कोई काम बनता है कि नहीं बनता है। और सच में मतलब इतना भी चूज ही नहीं होना चाहिए इंसान को कि कुछ मिले ही ना। मतलब मैं तो बहुत जल्दी शॉपिंग कर लेती हूँ, मतलब मैं तो इतनी चूज ही नहीं हूँ। मेरा जो कुछ लेना होता है और मेरे माइंड में पहले से ही रहता है कि हाँ यार मेरे को ऐसा कुछ लेना है और बस, मतलब मुझे इतना टाइम नहीं लगता शॉपिंग वगैरह करने में। तो पता नहीं भाई माशे को और कितना टाइम लगने वाला है, तो देखो कहाँ कहाँ और ढूंढना पड़ता है। नहीं तो आपके दांत बाहर निकल जाएंगे और आप बिन दांतों के हो जाओगे। अभी बिरयानी पैक हो रही है, बिरयानी पैक करा रहे हैं। तो अगेन संडे, अगेन बिरयानी, अगेन ब्लॉग। तो बिरयानी पैक हो रही है और जस्ट मैं वेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी मन नहीं करता बाहर जाने का। तो इस वजह से पता है मैं कहीं विजिट भी नहीं कर पा रही हूँ और अच्छे अच्छे प्लेसेस भी आपको नहीं दिखा पा रही हूँ इसी वजह से। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर हाँ मस्ट से कि दिल्ली से ज़्यादा गर्मी नहीं है, कम है वहाँ से। तो चलो चलते हैं फिर, हमारी बिरयानी आ चुकी है। तो अभी मैं जहाँ भी मार्केट गई थी वहाँ से वापस आ गई हूँ, लंच भी हो गया है मेरा और अब मैं शायद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी या हो सकता है मूवी देखूँ, मतलब अभी नहीं पता क्या हो, या मैं सो बोलूँ। तो एक्सटेंशन नहीं कराए, एक्चुअली मैं कराने नहीं गई थी, मैं उसका प्रोसेस जानने गई थी। एक्चुअली कराने मुझे बाद में है, तो मैं थोड़ा पता करने गई थी प्रोसेस का कितना टाइम लगता है, प्राइसिंग वगैरह का, तो इस वजह से गई थी मैं। तो वो तो मेरा काम हो गया, मतलब कन्फर्म कर लिया। और बाकी मेरा कुछ फुटवियर वगैरह का था तो कुछ बात नहीं बनती, मतलब एक्जैक्टली मैं लेने कुछ और गई थी, लेकर कुछ और आई। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना, आप सोच के कुछ और जाते होगे कि मैं ये लेने जाऊँ या मैं ये लेने जा रही हूँ और लेकर कुछ और आ जाते होगे, मतलब कुछ और ही पसंद आ जाए, जो लेने जा रहे हो वो तो ना मिले बट उसके अलावा कुछ और पसंद आ जाए। मेरे साथ तो बहुत बार होता है ऐसा। बाकी एक रीज़न ये भी था कि हम चाहते तो कंटिन्यू कर सकते थे बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो इस वजह से हम वापस आ गए। हम शाम को फिर से जाएंगे, तो चलिए फिर शाम को मिलती हूँ जब मैं जाती हूँ। तो चलो मिलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं इनके एक
कलीग हैं, मतलब सर हैं, हम उनके यहाँ पर जा रहे हैं, तो आगे हम उनके साथ जाएंगे। तो चलो चलते हैं फिर और देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो चलो चलते हैं। इतनी दूर आए हो पर फिर भी हमारा कोई काम नहीं बना, क्योंकि यहाँ वो आउटलेट ही नहीं था जिसके लिए हम आए थे। तो अब हमने नियर बाय चेक किया है, तो वहाँ पर जाएंगे अब। लेकिन उससे पहले सोचा कुछ इवनिंग स्नैक में खा लिया जाए, तो इस वजह से चलो कुछ नहीं तो पेट पूजा ही कर ली जाए। इतनी मेहनत लग गया, आखिर इतनी एनर्जी खर्च हुई है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शो चल रहा था, मतलब जोकर का कुछ शो था, बच्चे वगैरह थे काफ़ी सारे, तो अच्छा लग रहा था देखने में। मैंने तो नहीं, एकदम मस्त था। जहाँ पर आए थे वहाँ पे हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ, लाइक हमें जो लेना था वो नहीं हुआ। तो जस्ट हम इवनिंग स्नैक लेके और अभी हम वापस जा रहे हैं, मतलब वापस नहीं किसी और जगह जा रहे हैं, तो देखते हैं। और एक्चुअली में क्या है, जिस पर हमें जहाँ जाना था जिस स्टोर पर, वो स्टोर अब यहाँ पर है ही नहीं, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो अब हम वहाँ जाएंगे। तो चलो चलते हैं फिर। और ये बहुत ज़्यादा डरावना था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं तो सच में मतलब अकेली होती या फिर मतलब मैं नहीं बैठती इस पर, लेकिन रौनक ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद किया और उसकी वजह से मुझे बैठना पड़ा। और सच में मैं ज़िंदा वापस आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। इतना ज़्यादा डरावना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगा। लेकिन हाँ ठीक है, अभी कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो यस
अगर ठीक है अभी डर लगा तो क्या हुआ, बट इंजॉय बहुत करा, बहुत ज़्यादा। और अब देखिए यहाँ वो वाला चेहरा, फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे, मतलब बहुत ज़्यादा। बट मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ चेहरे से दिखाने की कि हाँ नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो डर लगा ही नहीं, बट मेरी शक्ल ही बता रही है कि कितनी बुरी तरीके से मैं पूरा डर चुकी हूँ। पर फाइनली मैं आ गई और फिर से हम चल दिए रोजी रोटी की तलाश में, मतलब रोजी नहीं रोटी की तलाश में, ये मतलब डिनर की तलाश में। तो चलिए फाइनली डिनर कर लेते हैं अब। और ये देखिए रौनक कर रहे हैं कलाकारी। रौनक एक्चुअली टैटू बना रहा था, उसको पता है कि मतलब मुझे चाय और शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने टैटू बनाए थे शेक और चाय का। फाइनली हमारा जो भी काम था वो सारा हो गया है और अभी बज रहा है रात का 11 और मतलब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो शायद इसके बाद मैं जो मतलब लास्ट है वो मैं ना शूट कर पाऊँ, हो सकता है मैं एकदम जाकर सो जाऊँ, तो इस वजह से मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो फाइनली सारी चीज़ें हो गई, जो लेना था वो ले लिया। एक्चुअली मेरा तो कोई शॉपिंग नहीं था, उनको करना था, तो उन्हें जो लेना था वो ले लिया। और अब हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो शायद हो सकता है मेरा वॉइस क्लियर ना आ रहा हो, बट प्लीज़ ट्राई करिए कि आप।